मॉर्निंग स्टूडेंट्स, टुडे वी विल स्टार्ट द चैप्टर ऑफ प्रोबेबिलिटी। ठीक है, प्रोबेबिलिटी आपने थोड़ा सा आपकी प्रीवियस क्लासेस में भी किया हुआ है। व्हाट डू यू मीन बाय टर्म प्रोबेबिलिटी, आज हम उसके बारे में डिस्कस करेंगे। उसके अंदर कुछ हमारी टर्म्स आती हैं, वी विल डिस्कस अबाउट दैट। ठीक है, तो प्रोबेबिलिटी मेनली होता क्या है? यू हैव हर्ड द गेम ऑफ चांस। गेम ऑफ चांस का मतलब एक व्हील होता है या डाल होता है, आपको उसे घुमाना होता है, उसमें नंबर्स होते हैं 1 to 8 और किसी एक पर्टिकुलर नंबर आने पे आप जीतते हैं। तो ये होता है कि उस नंबर के आने के या आपके जीतने के कितने चांसेस हैं, कितनी पॉसिबिलिटीज हैं, दैट इज प्रोबेबिलिटी। ठीक है, फॉर एग्जांपल हेड या टेल, आप कॉइन को टॉस करते हैं, तो अगर दो टीम्स हैं, हम कॉइन को टॉस करके फैसला करते हैं कि कौन सी टीम बैटिंग करेगी, तो अब उसके टीम के बैटिंग करने के कितने चांसेस हैं, तो वो डिपेंड करता है ना कि वो जीतेगी, उसका हेड आएगा या नहीं आएगा जो उसने मांगा था। ठीक है, तो दिस इज नोन एज प्रोबेबिलिटी कि किसी काम के होने के या उसके ना होने के चांसेस कितने हैं, पॉसिबिलिटी कितनी है। ठीक है, फॉर एग्जांपल हम लेमन लैंग्वेज में चलते हैं, थोड़े से एग्जांपल्स के साथ स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं कॉइन का केस ले रही हूँ। इफ आई टॉस अ कॉइन, तो मेरे पास कितनी पॉसिबिलिटीज है, क्या क्या आ सकता है, या तो हेड आएगा या टेल आएगा, तो टोटल केस कितने हैं मेरे पास, 2। ठीक है, अब मान लो हेड आने पे मेरी विन करती हूं मैं, तो मुझे क्या चाहिए, फेवरेबल केस। फेवरेबल केस जो मुझे चाहिए, आई वॉन्ट हेड। ठीक है, तो प्रोबेबिलिटी क्या है मेरे जीतने की, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ हेड। तो प्रोबेबिलिटी का मेन फॉर्मूला क्या होता है, फेवरेबल केसेस बाय टोटल नंबर ऑफ केसेस। जैसे मेरे पास हेड आने के कितने चांस हैं, एक ही बार हेड आया, टोटल केसेस में से एक बार हेड आएगा, और टोटल केसेस कितने हैं, 2। देखिए 50-50% चांसेस है ना, वैसे भी 50% का मतलब 1/2 होता है, तो 1/2 का मतलब 50%। हाफ चांसेस है हेड आएगा और हाफ चांसेस है टेल आएगा, तो ये कॉन्सेप्ट होता है प्रोबेबिलिटी का। ठीक है, और ये जो हमारा टॉसिंग का कॉइन है, यहाँ पे हम एक फेयर कॉइन लेते हैं। फेयर कॉइन का मतलब उसके एक साइड हेड होना चाहिए, एक साइड टेल होना चाहिए, और दोनों ही आने के चांसेस इक्वल हो, मतलब वो बायस कॉइन ना हो, कुछ ऐसा ना कर रखा हो कि वो एक ही साइड से नीचे गिरेगा। ठीक है, ऐसे ही हमारा केस ऑफ डाइस होता है। केस ऑफ डाइस में हमारे पास सैंपल्स, मतलब क्या केसेस होते हैं, 1, 2, 3, 4, 5, 6। अगर आप किसी कॉइन को, डाइस को टॉस करते हैं, तो आपके पास ये 6 केसेस हो सकते हैं, इसके अलावा तो कुछ नहीं होता। ठीक है, अब ये देखिए डाइस के केस में, फॉर एग्जांपल मेरा फेवरेबल, वो लूडो खेलते हैं ना, तो किस पे आपकी जो कॉइन होता है वो खुलता है, 6 पे आई थिंक, तो फेवरेबल केस मुझे क्या चाहिए, 6। ठीक है, तब मैं विन कर सकती हूँ। तो 6 आने के चांसेस कितने, कितनी बार 6 आएगा, एक ही चांस है, इन सब में से 6 तो एक ही बार आएगा ना, 6 केसेस है हमारे पास अलग अलग, 1, 2, 3, 4, 5, 6, इनमें से 6 जो है एक ही बार आ रहा है, एक ही प्लेस पे है, तो प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी 6 के आने की, 1/ में टोटल नंबर ऑफ केसेस, दैट इज 6। ऐसे मान लो मुझे 1 चाहिए, ठीक है, तो 1 आने की प्रोबेबिलिटी क्या है, एक ही बार है 1 इन सब में, और टोटल नंबर ऑफ केसेस कितने हैं, 6। सिमिलरली 2 आने की प्रोबेबिलिटी क्या है, वो भी आपकी 1/6 रहेगी। ठीक है, आई थिंक इतना समझ आ रहा है आपको। इसके बाद हम चलते हैं कुछ अपने टर्म्स पे। फर्स्ट टर्म इज एक्सपेरिमेंट। एक्सपेरिमेंट क्या होता है, एन ऑपरेशन विच गिव्स सम वेल डिफाइंड आउटकम्स इज नोन एज एक्सपेरिमेंट। एक ऐसा ऑपरेशन विच गिव्स वेल डिफाइंड आउटकम्स, मतलब इसका रिजल्ट ना पहले ही पता होना चाहिए कि अगर हम ये काम करेंगे, ये एक्सपेरिमेंट करेंगे, तो इनमें से ही ऑप्शन आएगा। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं डाइस का केस लूं, तो मुझे पहले ही पता है ना कि यही 6 केस आएंगे, ये तो नहीं पता ना कि हम सोचेंगे पता नहीं क्या आ जाएगा, ऐसा नहीं होता, इन्हीं 6 में से कुछ आएगा। तो वेल डिफाइंड का मतलब ये होता है कि प्री प्लान्ड, मतलब हमें प्री उनकी नॉलेज होती है, इनमें से कुछ आएगा। ठीक है, बहुत सारे होते हैं, 2 भी हो सकते हैं, 3 भी, 4 भी, कितने भी, बट वेल डिफाइंड होते हैं, उन्हीं में से कुछ आएगा। ठीक है, फिर होता है एक रैंडम एक्सपेरिमेंट। ये जो एक्सपेरिमेंट होता है, ये 2 टाइप का होता है, रैंडम एक्सपेरिमेंट
और डिटर्मिनिस्टिक एक्सपेरिमेंट। सबसे पहले हम चलते हैं डिटर्मिनिस्टिक एक्सपेरिमेंट विच गिव्स सेम रिजल्ट इन सेम कंडीशंस। मतलब फॉर एग्जांपल अगर ना मुझे केमिस्ट्री लैब में कोई एक्सपेरिमेंट करना है कि वाटर का बॉइलिंग पॉइंट चेक करना है, मुझे वाटर जो है कितने डिग्री सेल्सियस पे बॉइल करता है, तो मैं उसको कितनी ही बार कर लूं सेम कंडीशंस में। ऐसा नहीं है कि एक बार मैंने उसमें नमक डाल दिया या मैंने उसको किसी और कंडीशन में रखा है, ठंडे में रखा है या कुछ उसमें डाल दिया फिर मैं उसका बॉइलिंग पॉइंट चेक करूंगी। अगर सेम कंडीशंस लगाई जाए तो वी विल गेट द सेम रिजल्ट कि जो वाटर का बॉइलिंग पॉइंट है वो 100 डिग्री सेल्सियस ही रहेगा, उसमें चेंज नहीं होगा। तो दिस विल बी द डिटर्मिनिस्टिक एक्सपेरिमेंट। अब रैंडम एक्सपेरिमेंट क्या होता है? रैंडम एक्सपेरिमेंट होता है जैसे रोलिंग ऑफ अ डाई। मतलब इसमें जो आउटकम्स है आपके वो फिक्स है। फिक्स का मतलब ये पता है, वेल डिफाइंड है जो आउटकम्स है आपके, वेल डिफाइंड आउटकम्स बट नॉट फिक्स्ड। फिक्स नहीं होते, ठीक है। पता है कि एक से छह में आएगा पर ये नहीं पता कि एक आएगा या दो आएगा या तीन आएगा, ठीक है। वेल डिफाइंड होते हैं, मतलब हमें ये पता है वन से सिक्स के बीच में नंबर्स हैं वो आएंगे बट दे आर नॉट फिक्स्ड, ठीक है। हम ये नहीं कह सकते कि अब मैं उसको टॉस करूंगी या रोल करूंगी डाइस को तो फोर ही आएगा, ऐसा नहीं होता, ठीक है। हम फेयर डाइस की बात कर रहे हैं और कोई बायस्ड डाई की बात नहीं कर रहे जिसमें छेड़छाड़ की होती है। इसके बाद आता है हमारा ट्रायल। ट्रायल का मतलब क्या होता है? ट्रायल मींस अगर मैं एक बार डाइस को फेंक रही हूं दैट इज माय ट्रायल। एक्सपेरिमेंट जब मैं कर रही हूं, मैंने एक्सपेरिमेंट चार बार किया है, ठीक है, तो वो जो बारियां होती है ना, टर्न्स, कितनी बार किया है, दैट इज द ट्रायल। उसके बाद होता है हमारा इवेंट। इवेंट क्या होता है? कलेक्शन ऑफ सम आउटकम्स ऑफ एक्सपेरिमेंट। फॉर एग्जाम्पल डाइस को मैं डाइस रोल्ड सिक्स टाइम्स, तो ये मैंने कलेक्शन किया, ये मेरा इवेंट होगा। डाइस को छह बार रोल करना, उसका आउटकम हमें नोट करना है, दैट इज अ इवेंट, ठीक है। इसके बाद हम चलते हैं, जो इवेंट्स हैं हमारे वो कितने टाइप्स के होते हैं? इवेंट इज, एक होता है हमारा श्योर इवेंट, एक होता है हमारा इम्पॉसिबल इवेंट, ठीक है, और एक होता है हमारा नेगेशन ऑफ एन इवेंट। नेगेशन ऑफ एन इवेंट, नेगेटिव भी बोल सकते हैं। श्योर इवेंट का मतलब क्या होता है? एन इवेंट विच विल 100% हैपनिंग, ठीक है। इवेंट के जिसके चांसेस 100% होते हैं हैपनिंग के, तो वो होते हैं हमारे श्योर इवेंट। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं डाइस को रोल करती हूँ तो मेरा चांस इवेंट का क्या है कि एक नेचुरल नंबर आएगा, वो चांस क्या है मेरा? चांसेस ऑफ नेचुरल नंबर। देखिए नेचुरल नंबर आने के चांसेस कितने हैं? एक से छह तक आएगा डाइस में, आई नो दैट, ठीक है, डाइस के केस में। तो एक से छह तक सारे के सारे नेचुरल नंबर है, कुछ भी आ जाए हमेशा ही नेचुरल नंबर आएगा, तो मेरे जीतने के 100% चांसेस हैं, दैट इज अ श्योर इवेंट, ठीक है। तो इसकी पॉसिबिलिटी क्या होती है, प्रोबेबिलिटी क्या होती है इस श्योर इवेंट की? वन। ई का मतलब इवेंट है, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ श्योर इवेंट इज वन, ठीक है। ये वन कैसे आया, ये देखिए, फॉर एग्जाम्पल मैं कह रही हूँ नेचुरल नंबर मुझे चाहिए 1, 2, 3, 4, 5, 6, ये छह केस हैं। अब टोटल केसेस कितने हैं? 6। और नेचुरल नंबर आने के चांसेस कितने हैं? सारे ही नेचुरल नंबर हैं, तो 6/6 कितना आ गया? 1। तो प्रोबेबिलिटी कितनी हो गई? 1, ठीक है। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ अ श्योर इवेंट इज 1। अब आ जाइए इम्पॉसिबल इवेंट। इम्पॉसिबल इवेंट क्या होता है? जो कभी हो ही नहीं सकता, जिसके होने के 0% चांसेस होते हैं, ठीक है, वो हो ही नहीं सकता। फॉर एग्जाम्पल डाइस के केस में इफ आई से अ नंबर मोर देन 10, 10 से बड़ा नंबर आ सकता है एक डाइस के केस में? नहीं आ सकता। तो उसके कितने चांसेस है? 0। प्रोबेबिलिटी ऑफ दैट इवेंट विल बी 0, ठीक है। तो इम्पॉसिबल इवेंट हो गया। अब आता है नेगेशन ऑफ एन इवेंट। नेगेशन का मतलब
किसी काम के होने की, अगर ई एक इवेंट है, ई इवेंट है, ठीक है, हेड आने का, मान लो अभी मैं हेड और टेल पे चलती हूँ, कॉइन के केस में हेड और टेल आता है, ठीक है, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ हेड कितनी है, आपने बताया था 1/2, तो ये मेरा पीई हो गया, इसको मैं पीई लिख रही हूँ, मतलब मेरा एक इवेंट है जिसमें हेड आना चाहिए, हेड आने के चांसेस है मेरे 1/2, तो नेगेशन का क्या मतलब है, हेड ना आने के चांसेस कितने हैं, तो इसको हम ऐसे लिखते हैं, नॉट ई, ये होता है प्रोबेबिलिटी ऑफ ई और ये होता है प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट ई, मतलब किसी इवेंट के ना होने के चांसेस, ठीक है, तो वो कितने होंगे, देखो प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट ई, ना होने के, अब ये देखिए हेड ना आने का मतलब क्या है, टेल आएगा, तो टेल आने के चांसेस कितने थे, वो भी 1/2 थे, 1/2 में टोटल नंबर 2, ठीक है, तो ये कैसे निकलेगा, इसमें तुम्हें ये आ गया, अब ना एक चीज होती है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट एंड प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट एन इवेंट इज ऑलवेज 1, ये फॉर्मूला होता है कि किसी काम के होने के और किसी काम के ना होने के टोटल चांसेस कितने होते हैं, 1, ठीक है, फॉर एग्जाम्पल अब तुमने, तुम्हारा कोई पेपर है उसमें पास होने के चांसेस कितने हैं, 40%, ठीक है, और फेल होने के चांसेस कितने हैं, 60%, तो टोटल परसेंटेज तो 100 हुई ना, ऐसे ही इसमें है, ठीक है, कि किसी काम के होने के और उसके ना होने के टोटल चांसेस, टोटल प्रोबेबिलिटी कितनी मानी जाती है, 1, तो फॉर एग्जाम्पल अगर मुझे कहा जाए कि मेरे 5 डाइस के केस में, अब डाइस के केस पे आ गए हैं, डाइस के केस में 5 आने की प्रोबेबिलिटी कितनी है, 1/6, ये आपको पता ही है, तो 5 ना आने की प्रोबेबिलिटी कितनी हो जाएगी, 1-1/6, ये 1 टोटल होता है, तो टोटल में से उसके आने के चांसेस कम कर देते हैं, तो ये हो जाएगा 6-1, दैट इज 5/6, तो ये 5 ना आने के चांसेस है, वैसे आप इसको दूसरी तरह भी निकाल सकते हो, 5 ना आने का मतलब क्या है, 1, 2, 3, 4 और 6, ये आ सकता है, 5 नहीं आएगा, ठीक है, तो इन सब की प्रोबेबिलिटी कितनी है, 1 आने की प्रोबेबिलिटी 1/6, 2 आने की 1/6, 3 आने की 1/6, 4 की और 6 की, टोटल करके देखो 5/6, ऐसे भी हो सकता है, ठीक है, इसको हम ऐसे भी चेक कर सकते हैं, तो ये है किसी इवेंट के होने की और किसी इवेंट के ना होने की प्रोबेबिलिटी, आप उसको 1 में से माइनस कर सकते हैं, इनका जो सम होता है दैट इज 1। इसके बाद एक और मेन पॉइंट आता है आपका कि जो प्रोबेबिलिटी होती है हमारी, उसकी जो रेंज होती है, प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट लाइज बिटवीन 0 एंड 1, 0 के इक्वल भी हो सकती है, ठीक है, और 0 से बड़ी होगी, 1 के इक्वल भी हो सकती है और 1 से छोटी, मतलब 0 और 1 के बीच में है, इंक्लूडिंग 0 एंड 1, क्योंकि 0 हो सकती है इम्पॉसिबल इवेंट की थी हमने, और 1 प्रोबेबिलिटी किसकी होती है, श्योर इवेंट की, बाकी जो प्रोबेबिलिटीज हैं वो इनके बीच में लाई करेगी 0 और 1 के, ना तो 1 से बड़ी होगी और ना 0 से छोटी, मतलब इफ आई से प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट इज -2, दिस इज रॉन्ग, नेगेटिव हो ही नहीं सकती, 0 से छोटी हो ही नहीं सकती, इफ आई एम सेइंग प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट इज -0.1, ये भी नहीं हो सकती, 0 से कम हो गई, नेगेटिव तो हो ही नहीं सकती है, ठीक है, इसके बाद इफ आई एम सेइंग प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट इज 4/3, पॉजिटिव है 4/3, इसको डेसिमल में चेंज करते हैं, 3 1 3 1 0, 1.3 के नियर अबाउट, तो 1 से बड़ी हो गई, मैंने कहा था 1 से छोटी होएगी, तो ये भी नहीं हो सकती, ठीक है, एंड प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट 2/7, ये 0 point something आएगा आपका, ठीक है, 0 point something, और पॉजिटिव भी है, 0 point something है, ये हो सकती है, तो दीज आर द केसेस, इस फॉर्मूला पे बेस्ड है आपके ये क्वेश्चंस, कि प्रोबेबिलिटी जो है 0 और 1 के बीच में रहेगी, 0 भी हो सकती है 1 भी हो सकती है, ठीक है, इसके बाद एक दो टर्म्स और रह गई हैं, उसको भी खत्म करते हैं फटाफट, जो हमारे इवेंट्स हैं, एक तो होते हैं हमारे सिंपल इवेंट और एक होते हैं हमारे कंपाउंड इवेंट,
इवेंट होता है या तो हमारा एलिमेंट्री इवेंट होता है या होता है हमारा कंपाउंड इवेंट। ठीक है, एलिमेंट्री इवेंट क्या होता है, जिसमें हमें एक ही केस चाहिए होता है। फॉर एग्जांपल डाइस के केस में 1, 2, 3, 4, 5, 6 अगर मैं कहूं 4 आने की प्रोबेबिलिटी कितनी है, नंबर 4 एक ही केस है तो 1/6 प्रोबेबिलिटी ऑफ 6, 6 आने की प्रोबेबिलिटी 1/6। कॉइन के केस में अगर मैं हेड और टेल लेती हूँ तो प्रोबेबिलिटी ऑफ हेड 1/2। तो ये तो है हमारे एलिमेंट्री इवेंट्स। कंपाउंड इवेंट्स क्या होते हैं, जहां पे हमें इवेंट्स को कंबाइन करना पड़ता है। ये अलग अलग हमारे इवेंट्स हैं। भाई इस केस में ना हमारे 6 इवेंट हैं, ठीक है, इस एक्सपेरिमेंट में 6 इवेंट्स हैं हमारे। तो इसमें कंपाउंड इवेंट का मतलब अगर मैं कहूँ प्रोबेबिलिटी ऑफ इवन नंबर, इवन नंबर आए इसकी क्या प्रोबेबिलिटी है, इवन नंबर तो अब 2 भी है, 4 भी है, 6 भी है, तो मैंने इवेंट्स को कंबाइन कर लिया ना, 2, 4, 6, तो 3 बाय में टोटल नंबर ऑफ केसेस दैट इज 6। सिमिलरली इफ मैं कहूँ प्रोबेबिलिटी ऑफ ऑड नंबर, तो ऑड नंबर कौन से है, 1, 3, 5 तीन है, अपॉन में टोटल नंबर 6। ठीक है, या इफ मैं कहूँ प्रोबेबिलिटी ऑफ अ नंबर मोर देन 4, चार से बड़ा नंबर आने की प्रोबेबिलिटी, चार से बड़ा 5 और 6, तो दो नंबर हुए ना ऐसे जो चार से बड़े हैं, तो 2/6। ठीक है, तो ये होती है हमारे एलिमेंट्री इवेंट्स और कंपाउंड इवेंट्स। इसके बाद आपका बस प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला रह गया है। प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला, अगर हमारे पास टोटल नंबर ऑफ केसेस n है, उसमें से m इवेंट्स ऐसे हैं जो फेवरेबल है, मतलब हमें चाहिए, ठीक है, तो प्रोबेबिलिटी उस इवेंट की क्या होगी, m बाय में n, दिस विल बी द प्रोबेबिलिटी। ठीक है, तो दिस कंप्लीट्स द इंट्रोडक्शन ऑफ प्रोबेबिलिटी। आई होप आपको समझ आ गए होंगे डिफरेंट टर्म्स इसकी प्रोबेबिलिटी से रिलेटेड, व्हाट इज प्रोबेबिलिटी। तो एक बार आप यहां तक इसको रिवाइज कीजिए अच्छे से, देन वी विल मूव ऑन टू द एक्सरसाइज।